सुप्रीम कोर्ट में वेकेशंस के दौरान जस्टिसेस सूर्यकांत एंड एमएम सुंदरेश के बेंच के सामने मणिपुर ट्राइबल फोरम द्वारा एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मणिपुर वॉयलेंस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार का आश्वासन झूठा और गैर गंभीर है। अब इतनी सीरियस एलिगेशंस के बाद आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रिएक्ट किया होगा? जब सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस ने ये एप्लीकेशन बेंच के सामने सबमिट की और बताया कि द एप्लीकेशन वॉज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द ट्राइबल एरियाज एंड 70 ट्राइबल पर्संस वर किल्ड इवन आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एश्योरेंसेस, ही सेड दिस इंस्टीट्यूशन इज आवर लास्ट होप एंड इवन आफ्टर एश्योरेंस द ट्राइबल्स आर बीइंग किल्ड। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि द सिक्योरिटी एजेंसीज वर डूइंग देयर बेस्ट, सो सॉरी दिस बीइंग सेड। लेकिन बेंच ने इस इशू को सीरियस माना। बेंच सेड दिस इज अ serious issue of law and order. I hope court is not required to pass orders for army intervention, etc. The forum submitted, the assurances of the authorities are not useful anymore and made in a non-serious fashion and are not even intended to be implemented. The reason why this honorable court ought not to rely anymore on the empty assurances given by the Union of India is because both the Union of India and the Chief Minister of the state have embarked jointly on a communal agenda for the ethnic cleansing of the Kukis. Forum का कहना है कि media में जो violence दिखाया जा रहा है, जिसमें दो tribal communities के बीच में clashes को portray किया है, ये सच से कई परे है। Forum का कहना है, the attackers are backed by the ruling party in power, the Bharatiya Janata Party. The application stated that without such groups being arrested and prosecuted, any semblance of the peace will be fragile. वैसे तो Manipur Tribal Forum की file की गई interlocutory application ने बेंच को सोच में डाल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द एरिया, बट सेड दैट इट विल हियर द केस ओनली आफ्टर द कोर्ट रिज्यूम्स नॉर्मल फंक्शनिंग फॉलोइंग इट्स समर वेकेशन। तो लेट्स वेट एंड सी व्हाट स्टेप सुप्रीम कोर्ट टेक्स इन दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ चक्र।